नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ज्ञान। और एक नए वीडियो के साथ मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के बारे में। आप सब लोगों को मालूम होगा, घर में जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है उस टाइम एक अर्थिंग करते हैं और सारे वायरिंग सिस्टम को ये अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हाउस वायरिंग में ये अर्थिंग कैसे काम करते हैं, उसका इंपोर्टेंस क्या है और ये कैसे है कि इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको मैं बड़ा आसानी तरीके से ये समझाने वाला हूँ कि अर्थिंग का इंपोर्टेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चालू करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सोर्स की ज़रूरत है वो है 230 वोल्ट एसी पावर, जिसमें एक फेज रहता है और एक न्यूट्रल फेज वायर, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट अप्लायंसेस के अंदर एंटर करता है, और न्यूट्रल वायर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट एग्जिट करता है। तो ये दोनों वायर कनेक्ट करके एक इक्विपमेंट को हम चालू कर सकते हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे कुछ अप्लायंसेस ऐसा है जिसमें तीन वायर देखने को मिलता है, जिसका कलर बेसिकली रेड, ब्लैक और ग्रीन में होता है। रेड और ब्लैक कलर की वायर में हम फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं और ग्रीन कलर के वायर में हम अर्थ को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर अप्लायंसेस को हम अर्थ वायर प्रोवाइड करते हैं जिसका बॉडी मेटल में बनाया हुआ रहता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो, इलेक्ट्रिकल आयरन हो, इलेक्ट्रिकल केटल हो, ऐसे ही कुछ अप्लायंसेस है। मेटल बॉडी की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए इस टाइप का इक्विपमेंट को अर्थिंग वायर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये अर्थिंग कैसे कि इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है, उसका थ्योरी क्या है और उसका इंपोर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें अभी डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं दो कंडीशन दिखाऊंगा। पहला कंडीशन, एक अप्लायंसेस ऐसा है जिसमें हम अर्थ वायर प्रोवाइड नहीं किया है, उसके कारण क्या नुकसान होता है, और दूसरे कंडीशन जिसमें एक अप्लायंसेस को हम अर्थ वायर प्रोवाइड कर रखा है, उसमें इंसान कैसे इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें ये एक होम अप्लायंसेस है, उसको हम 230 वोल्ट का सप्लाई दे रखा है, लेकिन अर्थिंग वायर उसको कनेक्ट नहीं किया है। नॉर्मल सिचुएशन में तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इसमें अगर कुछ अबनॉर्मलिटी होता है, मतलब उसके अंदर अगर कुछ इलेक्ट्रिकली फॉल्ट होता है, जिसके कारण अगर फेज वायर यानी लाइव वायर जिसमें 230 वोल्ट का सप्लाई चालू रहता है, वो अगर अप्लायंसेस का मेटल पार्ट में टच हो जाता है, तो तुरंत लीकेज करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। ये लीकेज करंट तब तक उसके अंदर बने रहे जब तक फॉल्ट करंट को ग्राउंड होने के लिए कोई सोर्स नहीं मिलता है। ये कंडीशन में अगर कोई इंसान आता है और अप्लायंसेस को टच करता है, तो ये लीकेज करंट इंसान का बॉडी के अंदर चला जाता है और इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ये लीकेज करंट कितना अमाउंट तक हो सकता है और ये इंसान को कितना नुकसान तक पहुंचा सकता है, ये अब देखते हैं। यहां पे हम 230 वोल्ट का सप्लाई दे रखा है, जहां पे इंसान का बॉडी का रेजिस्टेंस लगभग 1000 ओम तक रहता है। फार्मूला के हिसाब से करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर। तो 230 वोल्ट हो गया 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो गया 1000 ओम, तो इज इक्वल टू हो गया 0.23 एम्पियर, मतलब 230 मिली एम्पियर। तो ये सिचुएशन में इंसान के अंदर 230 मिली एम्पियर तक करंट एंटर कर सकता है, जिसके कारण उसको जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। पैथोफिजियोलॉजी थ्योरी के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर इंसान के अंदर सिर्फ 1 मिली एम्पियर करंट एंटर होता है, तो इंसान उसको फील कर सकता है, जहां पे 10 मिली एम्पियर करंट से इंसान को एक पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर थोड़ा हायर करंट की बात करेंगे, अगर 30 मिली एम्पियर, सिर्फ 30 मिली एम्पियर करंट अगर इंसान के अंदर एंटर करता है, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे कि इंसान के अंदर टिश्यू डैमेज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, यहां तक मेंटल हेल्थ भी हो सकता है। ये तो हो गया नुकसान की बात। अभी दूसरे सिचुएशन देखेंगे, जहां पे हम अर्थिंग वायर प्रोवाइड किया है, उसमें हमको क्या फायदा होता है और इलेक्ट्रिक शॉक से इंसान कैसे प्रोटेक्ट हो सकता है। अभी दूसरे कंडीशन में देखेंगे, यहां पे मैं वही सेम अप्लायंसेस को अर्थिंग प्रोवाइड कर रखा है। तो ये कंडीशन में अगर ये अप्लायंसेस के अंदर पहला जैसा कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है और उसके कारण लाइव वायर अप्लायंसेस का बॉडी पार्ट में टच हो जाता है, तो तुरंत लीकेज करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाता है और ये लीकेज करंट तुरंत अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। जब ये लीकेज करंट ग्राउंड होता है, तो यहां पे नॉर्मल सिचुएशन की कंपैरिजन में मैक्सिमम करंट ड्रॉ होता है। तो कितना अमाउंट का करंट ड्रॉ हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे वोल्टेज मिल रहा है 230 वोल्ट और अर्थ वायर की रेजिस्टेंस लगभग 5 ओम तक रहता है। तो अभी करंट कैलकुलेट करते हैं, I इज इक्वल टू V बाय R। तो 230 वोल्ट मिल गया और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हो गया 5, 230 बाय 5 हो गया 46 एम्पियर। जब 46
एम्पियर करंट ड्रॉ होता है तो ऑब्वियसली हमारे घर का एमसी भी ट्रिप हो जाएगा और पावर सप्लाई बंद हो जाएगा। ये सिचुएशन में आपको पता भी चल जाएगा कि अप्लायंसेस के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया है। और एक बात, अगर घर में सेफ्टी पर्पज के लिए एमसी भी लगाए भी नहीं तो सप्लाई चालू रहेगा, और उसी कंडीशन में अगर कोई इंसान आके अप्लायंसेस को टच करता है फिर भी उसको शक नहीं लगेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ, इंसान का बॉडी रेजिस्टेंस लगभग 1000 ओम तक रहता है और अर्थ वायर की रेजिस्टेंस सिर्फ 5 ओम रहता है। करंट का जो टेंडेंसी है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चुनता है, इसलिए अप्लायंसेस के अंदर जो भी लीकेज करंट होता है वो अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड होता रहेगा और इंसान को थोड़ा सा भी शॉक नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ अर्थिंग के रिलेटेड जो भी आपका मन में डाउट होगा सारे क्लियर हो गया होगा, और अर्थिंग कैसे हमारा इंसान के लिए इम्पोर्टेंस है और कैसे इलेक्ट्रिक शॉक से इंसान को प्रोटेक्ट करता है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इस चैनल में अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसा नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।